सुख में से सुख की खोज तो हर कोई कर लेता है, दुख में से सुख की खोज करो, तब बात बनेगी, तब जिंदगी निखरेगी। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या शत्रु हानिकारक होता है? सबका जवाब था, हाँ बिल्कुल, शत्रु तो हानिकारक ही होता है। फिर उस बुजुर्ग ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में चार भाई और उसके बच्चे रहते थे एक ही घर में, पर किसी की भी आपस में बिल्कुल न बनती थी। सबके बीच हद दर्जे की नफरत थी। सबने मिलकर उनको समझाने की बहुत कोशिश की। गांव के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदारों ने, सरपंचों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर सब बेकार था। एक दिन उनके घर में कुछ दंगई घुस आए। पहले तो दंगाइयों ने सब परिवार वालों को अलग अलग पीटा, फिर सब परिवार वालों ने अपनी अपनी लाठियां उठाई और एकजुट होकर कुछ ही मिनटों में दंगाइयों को घर से बाहर खदेड़ दिया। उनके सारे गिले, शिकवे, मन मुटाव एकदम से गायब हो गए, वो एक हो गए। जो कोई नहीं कर पाया वो शत्रु ने कर दिखाया। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा, अब मुझे बताओ कि क्या शत्रु हानिकारक होता है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम कौन सा देखते हैं वही हमारा नजरिया तय करता है। जीवन में शत्रु है तभी तो एकता है, तभी तो एकता का महत्व है। जीवन में दुख है तभी तो सुख का महत्व है। जीवन में कठिनाइयां हैं तभी तो विकास है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। अपनी नजर उन चीजों पर रखो जो आपने पाई है, उन चीजों पर नहीं जो आपने खोई है। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारियां लोगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में चीजें ठीक होने लगेंगी। दूसरों को बदलने की कोशिश में खुद की शक्ति को बर्बाद न करो। खुद को ऐसा बनाओ जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हो, फिर आप देखेंगे कि दुनिया आपके हिसाब से बदलने लगी है। हमारे जीवन में घट रही अच्छी या बुरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उन पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है ये हमारे हाथ में होता है, और इसे हमेशा अपने हाथ में ही रखें। अपने मन का काम करो, या फिर जो काम कर रहे हो उसमें मन लगा लो। ध्यान रहे कि हमारी संगति ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जैसों के पास हम बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। असल में हम उन्हीं के पास बैठते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए जो पीछे रह गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अपनी जिंदगी में सभी को अहमियत दो। जो अच्छे होंगे वो खुशी देंगे, और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। आपकी जिंदगी आप खुद बदलोगे, ये सच आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि दूसरे लोग आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी है। याद रखना कि किसी का उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। अपना मुंह तभी खोलें जब आप जो कहने जा रहे हैं वो मौन से ज्यादा सुंदर हो।